इजराइल और हमास का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया इस युद्ध को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अभी कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस पूरी लड़ाई में गाजा में 34,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। गाजा में जारी इजराइल के हमलों को देखकर अब ICC भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप ICC के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यह दुनिया में होने वाले नरसंहार, मानवता युद्ध के खिलाफ अपने फैसले सुनाता है। अभी कुछ समय पहले ICC ने पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था और पुतिन पर यूक्रेन में नरसंहार का आरोप लगाया था। इस कारण अगर पुतिन ऐसे देश में जाते हैं जो ICC का मेंबर है तो वहां पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। और अब ICC इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी करने पर विचार कर रहा है। यह वारंट सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ही नहीं बल्कि इजरायली रक्षा मंत्री और IDF चीफ के खिलाफ भी जारी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों पर आरोप है कि इन लोगों के आदेश पर इजरायल की सेना ने गाजा में मानवता की सारी हदें पार की हैं। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ICC बेंजामिन नेतन्याहू और उनसे जुड़े हुए लोगों पर कोई एक्शन न ले, इसके लिए अमेरिका ने ICC को चेतावनी भी दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में दोनों पार्टियों के सांसदों ने ICC को चेतावनी दी है कि यदि शीर्ष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तो वाशिंगटन ICC के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा।